हाय, मैं डॉक्टर प्रदीप गड़गे। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डायबिटिक पेशेंट के लाइफ में मेडिसिंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। आप देखिए, सिर्फ दवाई खाने से डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता, इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एक्सरसाइज का है, टाइम टू टाइम चीज़ें फॉलो करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेस कंट्रोल करने का, सोने का टाइम टू टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस प्ले करती है। सो, एक टिपिकल डायबिटिक पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए? पाँचों मील टाइम पर जितना हो सके उतना करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सके तो सुबह उठने के बाद में थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, एटलीस्ट वॉट एवर इज़ पॉसिबल। अगेन, वो उसमें डिपेंड करता है कौन सा पेशेंट को कितने कॉम्प्लिकेशन से क्या है, ये सारी चीज़ें देख कर मद्देनज़र रख के उसके हिसाब से उन्होंने प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स और मिड इवनिंग स्नैक्स, मतलब इवनिंग स्नैक्स का यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्किप कर देते, तो ये फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम पर सोना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों में मिक्स होना, लोगों में जाके मिलना, ये सारी चीज़ें, फ्रेंड्स होना। काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और उनको बहुत से जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोगों को आजकल फ्रेंड्स कम होते हैं, उनको शेयर करने वाला कोई नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स करके मैनिफेस्ट होने लगती है। किसी को कुछ बॉडी एक होने लगता है, किसी को साइकोलॉजिकल हेडेक्स होने लगते हैं, किसी को कुछ गैसेस होते हैं, एसिडिटी प्रॉब्लम्स होते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। बहुत से पेशेंट्स आके बोलेंगे कि जब भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो मेरे पेट में गुड़ 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 होने लगता है और मुझको लूज मोशंस होता है, भागना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ही कॉमनली बढ़ती जा रही है। एक टिपिकल टाइप का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है जो पेट से संदर्भ में होता है, जिसको इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होते हैं। तो साइकोसोमेटिक, ये शब्द का अर्थ क्या है? सो बेसिकली, जब हमारे साइकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमारे सोमैटिक, मतलब सोमा मतलब बॉडी पे वो उसका असर दिखने लगता है, उसको साइकोसोमेटिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो हमको पेट में गैसेस होने लगते हैं, किसी किसी को स्ट्रेस होने पे हेडेक होने लगता है, ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस होने पे इनसोम्निया मतलब स्लीपलेसनेस होता है। तो ये सारे साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स हैं। ऐसे ऐसे साइकोसोमेटिक कंप्लेंट्स हैं, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मतलब लिटरली कुछ लेडीज़ को जिसको इनफर्टिलिटी का इशू है और जिनको बच्चा नहीं होता, उनको लिटरली इतने गैसेस हो जाते हैं कि पेट इतना बड़ा होता है और वो लिटरली लोगों को जाके झूठ बोलते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मतलब टू सीक सिंपथी फ्रॉम पीपल, टू गेन अटेंशन, टू बी इन द लाइमलाइट, दैट सॉर्ट ऑफ। सो इतने सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमनली डायबिटिक पेशेंट्स में बढ़ता जा रहा है। सो सारे ही प्रॉब्लम्स जो ऐसे प्रकार के हैं साइकोलॉजिकल, बहुत कॉमनली आजकल डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ मॉनिटरिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीच बीच में शुगर्स, ब्लड प्रेशर, ये सारे पैरामीटर्स मॉनिटर होने चाहिए। बहुत से पेशेंट्स ऑफन मेडिसिन लेते रहते, सालों साल तक मेडिसिन लेते रहते विदाउट डूइंग एनी ब्लड टेस्ट। सो ये सारी चीज़ें अनसुपरवाइज्ड या अनमॉनिटर्ड जो होती है, ये कोई बहुत फ़ायदा नहीं करेगी, ये ध्यान में आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर जब आप ध्यान देंगे, तब जाके डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। थैंक यू।